सविता ने मेरी ज़िंदगी को 10 साल और बढ़ा दिए। इन शब्दों के साथ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपनी दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन सविता अंबेडकर कैसे बाबा साहब के जीवन में आई, उनका बाबा साहब के साथ कैसा रिश्ता रहा, क्या माता रमाई की तरह ही सविता अंबेडकर और बाबा साहब का शादीशुदा जीवन दोस्ताना था। जय भीम, मैं हूं अजरा परवीन और आज की इस खास पेशकश में मैं आपका स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे बाबा साहब की दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर के बारे में, तो आइए शुरू करते हैं। बाबा साहब ने अपना जीवन दलितों और वंचितों को उनका हक दिलाने के लिए समर्पित कर दिया। उनके इसी जीवन समर्पण के चलते उन्होंने अपने जीवन में न जाने कितनी कठिनाइयों का सामना किया। न केवल उन्होंने बल्कि उनके पूरे परिवार ने भी इसकी कीमत चुकाई। माता रमाबाई की लंबी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाने के बाद बाबा साहब जीवन में अकेले पड़ गए थे। ये तस्वीर उस दर्द को बयां करती है जिससे बाबा साहब माता रमाई की जुदाई में गुजर रहे थे। लेकिन उन्हें इस तकलीफ से उभारा शारदा कबीर यानी सविता अंबेडकर ने। बाबा साहब की जिंदगी में जीवन संगनी बनकर आई सविता अंबेडकर ने न सिर्फ उम्र के बंधनों को तोड़ा बल्कि जाति की जटिल परंपराओं को भी लात मार दी। फॉरवर्ड प्रेस वेबसाइट पर प्रकाशित एक लेख में वरिष्ठ पत्रकार और लेख मोहनदास नैमिष राय सविता अंबेडकर के बाबा साहब के जीवन में आने के प्रसंग का जिक्र करते हैं। सविता जी डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में कैसे, कब और क्यों आई, इस बारे में बहुत से लोगों के मन में हजारों सवाल रहे हैं। वैसे भी इस बारे में बहुत सारे लोगों ने उलट पुलट बातें फैलाई हैं। दरअसल बम्बई के विले पार्ले में डॉक्टर एस एम राव रहते थे जो कि बाबा साहब के अच्छे दोस्त भी थे। अक्सर डॉक्टर अंबेडकर उनके यहाँ आते जाते थे। डॉक्टर अंबेडकर और शारदा जी की पहली मुलाकात यही डॉक्टर राव के घर पर हुई थी। ऐसा है कि सविता जी बहुत कम लोगों को मालूम है, क्योंकि मैंने उनके बारे में पढ़ा है। वो एक तो सारस्वत ब्राह्मण थी और 6 बहनें थी और वो मेडिकल ऑफिसर थी। माने उनकी सर्विस लग गई थी, मेडिकल ऑफिसर थी। मेडिकल ऑफिसर जहाँ थी महाराष्ट्र में, वहाँ से उन्होंने रिजाइन कर दिया था किसी कारणवश, नंबर एक। नंबर दो, उनके बाद बम्बई में डॉक्टर थे जिनके पास बाबा साहब जाते थे कभी कभी इलाज के लिए, वहाँ फिर वो अपनी सेवाएं देने लगी थी। तो उनके भीतर थोड़ा एक समाज सेवा का एक थोड़ा सा ये तत्व आया कि भाई मुझे कुछ करना चाहिए। तो ये बातें मैं इसलिए बतानी ज़रूरी है कि उनकी बैकग्राउंड्स बतानी चाहिए। और मैंने जैसे कहा कि सारस्वत ब्राह्मण रही हैं और बहुत प्रगतिशील रही हैं, तो वहाँ बाबा साहब से उनकी मुलाकातें हुई। मैंने अब जहाँ तक प्रभाव की बात है, दोनों का आपस में परस्पर जो मतलब ये हुआ, क्योंकि बाद में उनके पत्र भी आते थे। अभी उनकी भी एक आत्मकथा आ गई है ना, सविता अंबेडकर जी, हिंदी में भी आ गई है। तो ऐसा है कि और बाबा साहब को कुछ तकलीफ होती थी, वो जाते थे बम्बई, मिलते थे, तो वो अक्सर होती थी। डॉक्टर राव ने जब शारदा कबीर का परिचय बतौर डॉक्टर कराया तो महिला उत्थान के लिए हमेशा तात्पर्य रहने वाले बाबा साहब ने उनसे पढ़ाई लिखाई को लेकर कई सवाल पूछे। शारदा कबीर पहली ही मुलाकात में ये समझ गई थी कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कोई साधारण आदमी नहीं है। वो बाबा साहब की बातों से बहुत प्रभावित हुई थी। इस बारे में खुद सविता अंबेडकर ने लिखा है, समय के साथ साथ हम दोनों के बीच बातें बढ़ती चली गई। साहित्य, समाज, धर्म आदि विचारों पर बातचीत होती थी। कभी कभी हमारी बहस भी हो जाती थी। डॉक्टर अंबेडकर ध्यान से सारे तर्क सुनते फिर अपनी बात कहते थे। वो भी थोड़ा सा प्रभावित हुई, क्योंकि बाबा साहब तो उस समय वायसराय काउंसिल के मेंबर थे और वायसराय काउंसिल का मेंबर होना टेक्निकली वो समझ लीजिए कि 4 मंत्री के बराबर एक पद होता था उस समय। बाबा साहब को जितने पोर्टफोलियो मिले हुए थे, लेबर का, ये अदर, तो वो भी प्रभावित थी। और बाबा साहब को ज़रूरत थी, माने एक महिला की ज़रूरत थी, मैं अगर ये कहूँ कि बाबा साहब को एक ऐसी महिला की ज़रूरत थी जो उनके विचारों को समझे और उसके अनुरूप उनको मदद करे, उनके साहित्य से संबंधित विमर्श होता रहे पारिवारिक एक स्थिति में।
तो बाबा साहब के अलग अलग विचार थे, माने केवल ये नहीं भाई एक महिला की जरूरत थी, ऐसा नहीं। इसके अलावा जो सामाजिक संबंध होते हैं वो बाबा साहब के जहन में थे, और इसलिए उन्होंने फिर बाद में शादी का प्रस्ताव और यहाँ बाकायदा कोर्ट मैरिज की, और उसमें डॉक्टर जो सोनलाल शास्त्री जी, उन्होंने जिक्र किया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ मेरे 25 वर्ष, हाँ, तो उसमें जिक्र किया। कुछ लोग बंगले पे, यहीं उनका कोर्ट मैरिज हुई और वो इस तरह से हुआ। 1947 के आते आते डॉक्टर अंबेडकर अपनी तबीयत के बारे में चिंतित रहने लगे थे। लोकवार्ड में गृह प्रकाशन बम्बई से प्रकाशित पुस्तक डॉक्टर साहेब के हवाले से पता चला है कि 16 मार्च 1948 को दादा साहब गायकवाड़ को लिखे पत्र में स्वयं डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, सेवा टहल के लिए किसी नर्स या घर संभालने वाली किसी औरत को रखने पर लोगों के मन में शंकाएं पैदा होंगी, अतः शादी करना ज्यादा अच्छा मार्ग है, क्योंकि यशवंत की माँ की मृत्यु के बाद मैंने शादी न करने का निश्चय किया था, लेकिन आज के हालात में मुझे अपना निश्चय तोड़ना पड़ेगा। बाबा साहब के लिए यह द्विधा का समय था। के बाबा साहब ने खुद ये बात कही सविता जी से एक पत्र में के मैं, मेरा जीवन जैसा रहा है उस जीवन को वैसे ही मैं आगे भी रखना चाहता हूँ, और कोई टीका टिप्पणी मुझ पर ना करे। आप मेरे जीवन साथी बनना चाहते हैं, उसी रूप में मैं आपसे आगे का वार्तालाप और संबंध रखूँगा, ऐसा बाबा साहब ने कहा। तो ये एक एक बात ये रेखांकित होती है कि बाबा साहब अपने करेक्टर को माने वो बनाए रखा, और उन्होंने, और उनको मैं ऐसा मानता हूँ कि उनको एक साथी की ज़रूरत थी, ऐसा मैं मानता हूँ। और साथी की ज़रूरत होनी चाहिए, इतनी उम्र में कोई व्यक्ति अगर अकेला है, और अकेले का मतलब यह है कि एक बात मैं और बताना चाह रहा हूँ, और वाकई में अकेले रहते थे, केवल उनका एक लड़का यशवंत अंबेडकर वो उनके पास आता था कभी कभी, और कभी कभी वो जैसे अक्सर बेटे होते हैं तो फिर वो बम्बई चला जाता था, तो बिल्कुल अकेलापन था बाबा साहब के जीवन में। 15 अप्रैल 1948 को उनका विवाह हुआ। शादी के लिए रजिस्ट्रार के तौर पर रामेश्वर दयाल डिप्टी कमिश्नर दिल्ली बुलाए गए थे। यह विवाह सिविल मैरिज एक्ट के अधीन सिविल मैरिज के तौर पर संपन्न हुआ था। शारदा कबीर एक ब्राह्मण लेकिन प्रगतिशील परिवार से आती थी। उनके घर वालों ने भी इस शादी पर आपत्ति नहीं जताई। ब्राह्मणवाद की सबसे कटु आलोचना करने वाले डॉक्टर अंबेडकर शारदा जी को प्यार से सविता कहकर बुलाते थे। इसी वजह से शारदा कबीर हमेशा के लिए सविता अंबेडकर हो गईं। उन्होंने न सिर्फ बतौर डॉक्टर बाबा साहब की सेहत का ख्याल रखा, बल्कि एक जीवन साथी के तौर पर उनके सामाजिक कार्यों में भी भरपूर साथ दिया। चाहे मिलिंद और सिद्धार्थ कॉलेज का निर्माण कार्य हो या फिर कोई अन्य कार्यक्रम, वो हमेशा बाबा साहब के साथ ही नजर आती थी। लेकिन 6 दिसंबर 1956 को दोनों का साथ हमेशा के लिए छूट गया। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद सविता अंबेडकर भी अकेली रह गई। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद कई लोगों ने आरोप लगाया कि सविता अंबेडकर ने ही बाबा साहब की हत्या की है। तमाम तरह की अफवाहें फैलाई गई। किसी ने कहा कि उन्होंने बाबा साहब को जहर दिया, तो किसी ने कोई और कहानी बुन ली, लेकिन ऐसी कोई जांच रिपोर्ट नहीं हुई जो इन दावों को सच साबित कर सके। मैं इस आरोप को बिल्कुल एक बेबुनियाद मानता हूँ, इसलिए कि सविता अंबेडकर जी, मैं जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन में एडिटर रहा हूँ, अशोका रोड पे ये ऑफिस था, उस समय सविता जी हमारे ऑफिस आती थी और मिलती जुलती थी लोगों से, तो और उसमें भी बाद में जो मैं बम्बई जाता था, बम्बई प्रवास में वो मुलाकातें होती, बातचीत होती थी। तो ये बात मैं इसलिए, मैं अपनी और सविता जी की मुलाकात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपको तभी पता लगती हैं। एक एक व्यक्ति दूर है और उससे आपके कोई ताल्लुकात नहीं है, तो उसका जवाब देना और एक जो नज़दीक आदमी है उसका जवाब देना, वो एक फ़र्क होता है। तो सविता जी आरंभिक दौर में थोड़ा सा
एक बड़े व्यक्ति की पत्नी रही हैं, इसलिए होता है मनोवैज्ञानिक रूप से, तो वैसी वो भी थी। लेकिन बाद में थोड़ा सा वो बहुत सोशल होने लगी थी और दलित समाज के लोग, जैसे रामदा आठवले के प्रोग्राम में बहुत जाती थी, लखनऊ में दलित पैंथर का प्रोग्राम होता वहाँ जाती थी एक उतनी उम्र में। तो ये बहुत सारे लोगों ने और उसमें आगे रहे ना सोनलाल शास्त्री जी, ये भी मैं कहना चाह रहा हूँ, सोनलाल शास्त्री जी और नानक चंद दत्तू और दो तीन चार लोग और, उन्होंने ये अफवाह उड़ाई, मैं अफवाह शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये अफवाह भी नहीं कहूँगा मैं, ये एक जानबूझकर किसी महिला पर दोषारोपण करना और ऐसी महिला पे जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पत्नी रही हैं, माने एक बड़े व्यक्ति की पत्नी रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो अगर दलित, समझो कि सविता अम्बेडकर अगर दलित होती उदाहरण के लिए मान लिया, तो क्या ऐसा होता नहीं। एक दलितों का मनोविज्ञान ये भी रहा कि वो ब्राह्मण थी, इसलिए ब्राह्मण होने के बहाने आप कुछ भी दोष अर्पण करें, तो मैं नहीं मानता ऐसा, वो बिल्कुल गलत है मेरी राय में। अपनी आत्मकथा डॉक्टर अम्बेडकर के संपर्क में सविता अम्बेडकर लिखती हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के बाद मुझे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सरकारी अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर की नौकरी देने और राज्यसभा में लेने की बात कही थी, लेकिन मैंने स्वेच्छा से मना कर दिया। कारण था कि बाबा साहब ने मुझे किसी तरह की नौकरी से अलग रहने के लिए कहा था। मैंने नेहरू के आमंत्रण को तो छोड़ दिया, पर बाबा साहब की बात को नहीं तोड़ा। राज्यसभा की सदस्यता को स्वीकार करना कांग्रेस की मर्जी से चलने के लिए अपने आप को तैयार करना था, जो मैं नहीं चाहती थी, और यह सब स्वीकार करना बाबा साहब के विचारों के विरुद्ध जाना था। वो आगे लिखती हैं, मुझे साहब ने स्वीकार किया, मैं अम्बेडकर मई हो गई हूँ, मैंने उनका हमेशा साथ दिया अम्बेडकर होकर, ये मैं गर्व से लिख रही हूँ। साहेब के परिनिर्वाण के बाद बीते 36 सालों से मैं विधवा का जीवन जी रही हूँ, वो भी अम्बेडकर के नाम के साथ। मैं अम्बेडकर के नाम के साथ जी रही हूँ और मरूंगी भी अम्बेडकर के नाम के साथ। वो एक केवल दोषारोपण था इन दोनों लोगों का और इनके साथ और बहुत सारे लोगों का, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता। कि देखिए, एक कोई मंत्री है या वीआईपी है या कुछ भी है, उसकी पत्नी ही मैं कहूँगा शादी की थी मैंने, तो एक मनोविज्ञान ये होता है पत्नी का कि वो उसके जो पति हैं, वो चाहे कितने बड़े पद पर हैं, कुछ भी हैं, वो अक्सर लोगों को मिलने के लिए कम परमिशन देती रही है। माने ये सभी जगह होता है, केवल बाबा साहब या सविता अम्बेडकर के बारे में अगर हम इसको, इस बात को तूल दें, तो ये एक बेमानी बात है। माने सभी मनोवैज्ञानिक रूप से सभी महिलाएं वो ये चाहती हैं कि भी उसके जो हस्बैंड हैं वो ज़्यादा लोगों से बातचीत ना करें, क्योंकि उसकी भी एक हिस्सेदारी है। मैं एक लेखक होने के नाते ये बात कह रहा हूँ, उसकी पत्नी की भी तो हिस्सेदारी है ना भाई, समाज में वो भी तो रह रही है ना। अगर सुबह 7 बजे से लेकर और 10 बजे और फिर ऑफिस जाना, फिर शाम को अगर रात के 11 बजे तक वो मिलते जुलते रहें, तो उसको भी समय चाहिए। तो आपका जो पहला सवाल है वो, उसका जवाब यही है कि वो जानबूझ के ऐसा नहीं करती थी। सभी महिलाएं लगभग माने कुछ अपवाद को छोड़ के, उनको खुद व्यक्तिगत रूप से भी कुछ परेशानी होती होगी व्यक्तिगत, और सामाजिक रूप से इसलिए कि कोई अगर मिलने आया, वो सोनलाल शास्त्री जी के पास आएगा पहले या नानक चंद दत्तू जी के पास आएगा, और वो मिलने के लिए कहा होगा, और वो नहीं मुलाकात हुई होगी तो बुरा लगता होगा, जाहिर बात है। माई साहब सविता अम्बेडकर को समाज में वो सम्मान कभी नहीं मिला जो माता रमाई को मिला। आज भी उन पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। इन आरोपों के जवाब में माई साहब ने अपनी आत्मकथा लिखी और इन आरोपों का जवाब दिया। डॉक्टर अम्बेडकर के संपर्क में किताब में माई साहब इन तमाम आरोपों का सिलसिलेवार ढंग से जवाब देती हैं। वो लिखती हैं, डॉक्टर साहब की सेहत संभालते हुए और प्रामाणिकता से प्रयास करते हुए कुछ व्यक्तियों को मैंने दुख पहुँचाया होगा, और ये स्वाभाविक भी है।
उसी की परिणति है कि साहिब के परिनिर्वाण के बाद उनका मेरे विरुद्ध खड़ा किया हुआ तूफान उसमें जानबूझकर मुझे बदनाम करने का प्रयास किया गया है। साहिब के परिनिर्वाण के बाद अनेकों ने अनेक प्रकार से तोड़ मरोड़ कर तथ्य प्रस्तुत करके समाज को मेरे विरुद्ध कलुषित करने का प्रयास किया। इन नेताओं को इतना भी एहसास नहीं था कि मुझ पर दोष रोपण करके उन्होंने खुद डॉक्टर अंबेडकर की भी बुराई कर दी, जो महापुरुष भविष्य देखने वाला था, जिसकी सभी भविष्यवाणियां सच साबित हो रही हैं। परिवार नियोजन, गोवा, असम, पंजाब का सवाल, चीन का आक्रमण, पाकिस्तान का बंटवारा, संविधान पर भाष्य, नेहरू कांग्रेस पर राष्ट्रीय नीति, ऐसी अनेक भविष्यवाणियां उन्होंने भविष्यवक्ता की तरह की और देश को इशारे दिए जो 40 साल बाद सच साबित हुए। ऐसी महान शख्सियत अपनी पत्नी को पसंद करने में गलत कैसे कर सकता है? साहिब ने मुझे अपनी उम्र के 54 साल में स्वीकार किया। जिस तरह असली हीरो की परख जोहरी ही कर सकता है, उसी तरह डॉक्टर साहब ने मुझे परख कर ही स्वीकार किया, मुझ पर जी जान से प्रेम करके मुझे संभाला। माई साहब उस दौर में डॉक्टर थी, पढ़ी लिखी कामयाब महिला थी। अपनी उम्र से बड़े बाबा साहब के प्यार में उन्होंने अपना करियर और अपने सपने सब छोड़ दिए। जाति के बंधनों को तोड़ते हुए उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज करने का फैसला लिया। वो हमेशा के लिए बाबा साहब की होकर रह गई। प्रेम के लिए उनके इस त्याग को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। एक ऐसी महिला को हम लोग बीच में छोड़ रहे हैं, छोड़ने का मतलब यह है कि उस पर दोषारोपण कर रहे हैं बिना वजह। बाबा साहब चले गए तो आप लोगों की यह है, आप लोगों का माने चेतना या ये कहना चाहिए मुझे कि आपको उनकी वेलकम करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। जबकि दलित समाज के अधिकांश लोगों ने ये दोषारोपण किया बिना वजह से माने, तो ये मेरी अपनी राय में उस महिला का हमें सम्मान करना चाहिए था और आज भी सम्मान करना चाहिए। बाबा साहब की जीवन साथी होने के नाते न कि यह है कि आप उन पर बिना वजह दोषारोपण कर रहे हैं और कोई दोषारोपण सिद्ध नहीं हुआ। बार बार जो उस समय के जो प्रधानमंत्री नेहरू जी थे उनको बार बार एप्लीकेशन दे रहे हैं, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं यहाँ के लोग बिना वजह, वो गालियाँ दे रहे हैं माने, तो ये एक गलत बात है। मेरी अपनी राय में दलितों को कुछ सीखना चाहिए, कुछ उस तरह से माने ये उस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। और मैं आज की डेट में नहीं, बहुत पहले जब इस तरह मैंने बात की है, 100% ऐसा कुछ नहीं है कि बाबा साहब की हत्या की वो दोष हुई है, ऐसी कुछ भी बात नहीं है माने। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस सवाल को हमें बंद करना चाहिए। प्यार इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। वो बाबा साहब का प्यार ही था जिसके सहारे माई साहब ने सब कुछ चुपचाप सह लिया। अगर आपके पास इस विषय पर कोई और जानकारी है तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। आज के इन वीडियो स्टोरी में इतना ही साथियों। मेरा नाम अजरा परवीन है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं सुमित चौहान। अगले किसी वीडियो में मिलेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम।